गाइज वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग नीलम पूर्णिमा रावत। तो गाइज आज हम यहाँ रखे हैं सेक्टर 43 और आज हम जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़ से सीधे कटरा और मेरे साथ है रुद्र और यहाँ पे है हमारे साथ पूरी फैमिली और आगे जा रही है शीतल। शीतल को भी दिखाएंगे आपको। तो गाइज यहाँ हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से जम्मू कटरा और हमारे साथ ये भी हैं और अब हम चलते हैं सीधे जम्मू। चलो फाइनली हम बैठे हैं बस में और मेरे साथ हैं रुद्र से हाय और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से कटरा और हमारे साथ है शीतल। कैसा लग रहा है आपको? बैठ चुके हैं हम बस में और अब जाएंगे सीधे चंडीगढ़ टू कटरा और आप देख सकते हैं चंडीगढ़ शहर जो कि बहुत ही स्वच्छ है और बहुत ही पीसफुल एरिया है। हम डब्बा ना निकले जिन्हें गाइज फाइनली हम पठानकोट में पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ से पठानकोट और यहाँ पे ये पूरा एरिया पठानकोट का है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। तो आइए आपको आगे फिर दिखाएंगे कुछ हसीन सीन। गाइज़ यहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक हो गया है, गाड़ी यहाँ पे रुक गई है तो अब हम चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज़ यहाँ पे हमने चाय पी के और फिर चलते हैं अब और यहाँ पे पूरी बस इस तरह से है, इसमें कैमरा लगा हुआ है। सारे पैसेंजर जो कि जिसको भी कोई भी ज़रूरत हो तो आसानी से कैमरे में ही पता चले जाए। और यहाँ पर आ गए हम, सबसे लंबा ब्रिज है ये और ये सूट थोड़ा सही हो पाया क्योंकि मैंने सोचा कि क्या करना है सूट पर, फिर भी मैंने कर लिया है। ये सबसे लंबा ब्रिज है और यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक में पहुँच गए हम। यहाँ से अब मोड़दार सीढ़ी नुमा रास्ते हैं, यहाँ से सीधे हम कटरा की तरफ चले गए हैं, कटरा जम्मू साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा चौक सा है महाराणा प्रताप चौक, यहाँ से चले जाएंगे हम जम्मू के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है आर्मी। फाइनली हम पहुँच गए हैं जम्मू में। और यहाँ आके बहुत ही पीसफुल एरिया है, यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस फाइनली पहुँच गए हम जम्मू और यहाँ से अब हम जाएंगे कटरा, फिर आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए। तो फाइनली हम गए अभी तक जम्मू में और अब आगे तक जाएंगे कटरा। कटरा का सीन देखिए आप, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल एरिया लग रहा है। लड़ाई और उसके पीछे पीछे इतने सारे, जितने मर्जी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रही है।
स्टे करना है तो आप जम्मू में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। सुंदर लग रहा है, रात में पूरी लाइट चमक रही है। बहुत ही बड़ा शहर है जम्मू। यहाँ पे कटरा से पूरा जम्मू का सीन इस तरह से है और छोटी छोटी बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं। ये पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक बार जरूर जाएं जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर का टनल, जो कि दो टनल बनाए चुके हैं। एक गाड़ियां जिसमें आती आती हैं और एक में जाती जाती हैं। ये बहुत ही लंबा टनल है जम्मू कश्मीर का, तो देखते रहिए, टनल का लुत्फ़ उठाइए। और यहाँ पे रेतीली सी मिट्टी पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ यही लगी मुझे कि यहाँ अपने उत्तराखंड के चीड़ के पौधे भी हैं, चीड़ के पेड़ भी पाए जाते हैं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जम्मू कश्मीर में चलो चीड़ तो मिला और कुछ ना सही, तो गढ़वाली लोग तो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, पर सही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। जैसे सुना था तो यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और ये पूरा अभी तक भी टनल ख़त्म नहीं हुआ, तो फाइनली यहाँ पे टनल ख़त्म हो चुका है। और अब यहाँ से मोड़दार रास्ते हैं सीढ़ीनुमा, और हमारे साथ है रुद्र, और अभी हम पैदल यात्रा करेंगे। गाइस यहाँ पे फाइनली में हम पहुँच गए हैं कटरा में, और यहाँ से हम शुरू कर देते हैं पैदल यात्रा। और हमारे साथ ये रुद्र और आगे आगे सीतल, और चलो आपको भी कराएं हम वैष्णो माता जी के दर्शन। और यहाँ पे बहुत ही ठंड हो रखी है, ठंड लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा है। बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता। तो गाइस यहाँ पे हम लग गए हैं रास्ते, और यहाँ से जाएंगे हम, ये है माता का गेट, यहाँ से ही हम पैदल यात्रा शुरू कर देंगे। और यहाँ पे दुर्गा माता के व्रत के टाइम पे दुर्गा माता के, और आपको दिखाएंगे हमने अभी इतनी दूर जाना है, और यहाँ पे जगराता चल रहा है माता का। तो सबसे पहले वैष्णो माता की जय, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है पूरा वैष्णो माता का रास्ता, पूरा मंदिर आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं, और हमारे साथ शीतल, और यहाँ पे है रुद्र। हाँ हाँ इधर देख, बहुत दूर।
और यहाँ पे बहुत सारे रिक्शे भी हैं, पर हम रिक्शे को नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे खुद पैदल। और चले लगे हैं अभी रास्ते में, तो वो मिलते हैं आपको माता रानी के दरबार में। और यहाँ पे माता रानी की कितनी सारी चुनरियाँ जो दर्शन करने के बाद आ गए चुके हैं, तो वही यहाँ पे चुनरी बांध के चले जाते हैं। गाइस यहाँ पे 11:30 हो गई है टाइम, और हमें यहाँ अभी लाइन लगी है, और लाइन हमारे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी लाइन है। और यहाँ पे भगवान माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लंबी लंबी लाइन से, और जब कभी आए तो आई घाट बना के जरूर आए। तो गाइस यहाँ से लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हमारे आई कार्ड चेक होंगे, फिर यहाँ के बाद ऊपर हमें यात्रा करने को मिलेगा। तो गाइस हमें जाना है यहाँ ऊपर टॉप में, और यहाँ पे ये है अर्ध कुंवारी मंदिर, और यहाँ से लाइन लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे आई कार्ड वगैरह चेक होंगे, फिर यहीं से आगे हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। और ये लाइव दिखा रहे हैं, वहाँ का लाइव प्रोग्राम चल रहा है, प्रोजेक्टर द्वारा दिखा रहे हैं सभी यात्रियों को। तो चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के। तो गाइज यहाँ से हम महिलाओं के लिए यहाँ से रास्ता है, और उधर से पुरुषों के लिए, और यहाँ से हम एंट्री ले चुके हैं, और ये है जाने का रास्ता, और तो चलते हैं। तो गाइज फाइनली हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है, और अब हम यहाँ पे फर्स्ट बार ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ है ये पूरी फैमिली, और इसकी अभी बातें चल रही है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत भीड़, और कोई दर्शन करके आ गया है, कोई हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे चंडीगढ़ से और कटरा तक का सफ़र इस प्रकार से रहा हमारा। और गाइज आज का वीडियो इतना ही, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।